हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। सो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री फॉर एसएससी पार्ट 7 को। और इस पार्ट 7 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस पार्ट 7 में हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। कितने तरह के सेंटर्स होते हैं ट्रायंगल में पॉसिबल, वो सारे सेंटर्स को अपन देखेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं आप लोगों के बीच लेकर के आऊं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो जो लोग डायरेक्ट पार्ट 7 को देख रहे हैं उन लोग से रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 से शुरू करें देखना, ताकि जिस ट्रैक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस लॉजिक से पढ़ा रहा हूँ या जिस वे में मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको पूरा चीज़ क्लियर हो जाए। तो प्लीज़ पार्ट 1 से देखना शुरू करें जो भी न्यू व्यूअर है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड एंड विल सी द टॉपिक सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। तो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल पढ़ने से पहले फ्यू पॉइंट्स बिफोर गेटिंग स्टार्टेड विथ सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। हालांकि मैंने इन सारे पॉइंट्स को ऑलरेडी आप लोगों के बीच डिस्कस कर चुका हूँ, बट चूंकि इन चारों पॉइंट्स के यूज आएंगे सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स में, तो एक बार मैं फिर से आप लोगों के बीच बता देता हूँ। बाइसेक्टर्स कहने का क्या मतलब होता है कि कोई भी सपोज एक ट्रायंगल ले लेते हैं या कोई लाइन ले लेते हैं। बाइसेक्टर्स कहने का मतलब कि कोई ऐसा लाइन आएगा जो आपको जो अपोजिट वर्टेक्स है उसको दो भाग में, मतलब कि ऐसा लाइन जो दूसरे लाइन पे जिस पे खींचा जा रहा है उसको दो इक्वल भाग में बांट दे, जैसे कि ए बी सी है, तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाए, तो जस्ट इसको बाइसेक्टर या मीडियन बोलते हैं। एंगुलर बाइसेक्टर मैंने आपको क्या बताया था कि एंगुलर बाइसेक्टर वो होता है जो किसी दो लाइन के बीच के एंगल को दो बराबर भागों में बांटता है। तो सपोज ए टोटल एंगल 2 थीटा था, तो ए भी थीटा होना चाहिए, ए भी थीटा होना चाहिए, ठीक है। जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसको बोले थे अपन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सपोज एक ट्रायंगल में यदि अपन बात करें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा होता था जो बेस को यहाँ से या किसी भी लाइन से, सपोज इसको यदि ऐसे अपन नहीं ले, यदि इसको ऐसे ले ले, तो लाइन को तो दो बराबर भागों में बांटेगा ही, ऐसा करके दो बराबर भागों में, दो इक्वल पार्ट में तो बांटेगा ही, बट एट राइट एंगल पे बांटेगा, मतलब कि 90 डिग्री, जहाँ भी डिवाइड करेगा वो 90 डिग्री पे ही डिवाइड करेगा। तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोले थे। हाइट क्या बोले थे, हाइट मैंने बोला था ट्रायंगल में हाइट क्या होता है, अपोजिट वर्टेक्स से आपको परपेंडिकुलर डालना है, इसमें बाइसेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट एक परपेंडिकुलर आपका हो जाना चाहिए। सपोज इस तरह के यदि कोई ट्रायंगल है तो अपोजिट वर्टेक्स से आपको क्या करना था, डायरेक्ट एक परपेंडिकुलर डालना था। तो ए बी जो था वो ए बी हम लोग का क्या हो जाता था, हाइट बोलिए या ऑल्टीट्यूड बोलिए, ये हो जाता था। तो ये चारों पॉइंट्स जस्ट बेसिक है, इसका हम लोग का बहुत ही यूज पड़ेगा आगे जब हम लोग सेंटर ऑफ ट्रायंगल डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं सेंटर ऑफ ट्रायंगल को, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कितने तरह के ट्रायंगल्स हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। टोटल 5 टाइप्स, मतलब कि ट्रायंगल से रिलेटेड टोटल 5 टाइप्स के जो सेंटर्स होते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। पहला सेंट्रोइड है, यदि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं कि सेंट्रोइड को हिंदी में अपन गुरुत्व केंद्र बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इन सेंटर, इन सेंटर को अपन अंतः केंद्र बोलते हैं, ठीक है। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे सरकम सेंटर, सरकम सेंटर को हिंदी में परिकेंद्र बोलते हैं। चलिए चौथा है हम लोग का ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर को हम लोग हिंदी में लंब केंद्र बोलते हैं। और पांचवा और लास्ट जो है हम लोग का एक्स सेंटर, इसको बहिर्केंद्र बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। आज का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो सेंट्रोइड पे हम लोग फोकस करेंगे। सेंट्रोइड से रिलेटेड जितने भी आपको प्रॉपर्टीज है, जितने भी प्रॉपर्टीज है सारे प्रॉपर्टीज देखेंगे, उस पर क्वेश्चंस देखेंगे, और जो भी क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल बोलिए या सीएचएसएल, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने सारे को सिलेक्ट किया है। तो हम लोग आज का जो मेन फोकस रहेगा वो फोकस हम लोग का किस पे रहेगा, सेंट्रोइड पे रहेगा। तो चलिए हम लोग सेंट्रोइड टॉपिक को शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सेंट्रोइड होता क्या है, आखिरकार सेंट्रोइड होता क्या है। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस इन ए ट्रायंगल, मतलब कि जितने भी मीडियंस होते हैं उसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। यहाँ पे मीडियंस क्या क्या है, मीडियंस क्या क्या है, यहाँ पे आपका ए डी है, बी ई है
और सी एफ है, इस तीनों का जो मिलान बिंदु होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। तो आपको ये पता है कि ए डी एक मीडियन है, तो बी सी को दो बराबर भागों में बांटेगा, मतलब कि बी डी इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा। सिमिलरली बी ई एक मीडियन है, तो आपको बी ई इज इक्वल टू ई सी हो जाएगा, क्योंकि एक मीडियन है। मीडियन क्या करता है, जिस पे जिस लाइन पे अपन मीडियन डालते हैं उसको टू इक्वल पार्ट में बांट देता है। सिमिलरली यदि अपन इस वाले पार्ट पे ध्यान दे, यदि सी एफ को एक मीडियन ले, तो सी एफ जो मीडियन है वो ए बी को दो बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ कहने का क्या मतलब, आपका ए एफ इज इक्वल टू एफ बी हो जाएगा। हालांकि कहने को बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है इसका, बट जब आपको सवाल करना होगा तो इसका प्रॉपर्टी को कैसे यूज करते हैं, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि सबको थियोरी तो सबको पता रहता है, लेकिन किस थियोरी को, किस कॉन्सेप्ट को कब यूज करना है, ये हम लोग कर नहीं पाते हैं। ठीक है, डिनोटेड बाई जी, सेंट्रोइड को जनरली जी से, कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है। जनरली अपन ओ भी बोल सकते हैं, जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा वैसे अपन ले सकते हैं, बट जनरली कैपिटल जी से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो सेंट्रोइड का एक फिजिकल, सेंट्रोइड को यदि लेमन लैंग्वेज में अपन बोलेंगे, तो सेंट्रोइड एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का, यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल नहीं बोले, यदि जस्ट एक लेमन लैंग्वेज में बोले, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का एक ऐसा पॉइंट है कि जिस बिंदु पे आप जस्ट एक पॉइंट भी लगाएंगे ना, तो पूरा फिगर आपको बैलेंस्ड रहेगा, पूरा फिगर बैलेंस्ड रहेगा। कोई कोई वीडियो आप देखते होंगे जहाँ पे छोटा छोटे पत्थर को मिला करके बहुत बड़ा शेप बनाया जाता है और बिना किसी सपोर्ट को, तो वहाँ पे जस्ट सेंट्रोइड को ही ध्यान में रखा जाता है। सेंट्रोइड जो मेन फोकस, मेन पॉइंट होता है उस ज्योमेट्रिकल शेप का, उस पे बैलेंस करके बनाया जाता है। तो सेंट्रोइड इसको, या सेंटर ऑफ मास यदि फिजिक्स की भाषा में बोले तो इसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, मतलब कि उस पूरे ज्योमेट्रिकल शेप का जो मास है वही उसी सेंटर पे केंद्रित रहता है। तो चलिए इसमें ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ते हैं, जस्ट हम लोग अभी सेंट्रोइड इन ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी आपको प्रॉपर्टीज होंगे उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग का बोल रहा है कि सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हालांकि सुनने में तो बहुत आसान लगता है बट हम लोग इसका यूज नहीं कर पाते हैं। सेंट्रोइड जो जी है वो मीडियन को कितने 2:1 के रेशियो में बांटता है, मींस इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि ए जी बाई जी डी इज इक्वल टू 2:1। यदि अपन किस पे कॉन्सेंट्रेट करे, ए डी मीडियन पे कॉन्सेंट्रेट करे, तो यदि बी ई मीडियन पे कॉन्सेंट्रेट करे तो क्या होगा, बी जी बाई जी ई इज इक्वल टू 2:1। यदि अपन सी ई सी एफ, सी एफ पे यदि कॉन्सेंट्रेट करे, सी एफ मीडियन पे कॉन्सेंट्रेट करे, तो आपको हो जाएगा सी जी बाई जी एफ इज इक्वल टू 2:1। मतलब कि जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड क्या करता है, मीडियन को 2:1 के रेशियो में आपको डिवाइड करता है। ये चीज़ ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्चुअली हमको इम्पोर्टेंट, इसको मार्क कर देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसका। हालांकि सेंट्रोइड में ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बट छोटा छोटा दो चार ही पॉइंट्स है और उससे बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि एसएससी का फेवरेट टॉपिक है सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इन ए ट्रायंगल मीडियन डिवाइड्स ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मतलब कि यदि एक ही मीडियन पे अपन विचार किया जाए, जैसे ए डी वाले मीडियन पे यदि विचार करें, तो जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका होगा, मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, हालांकि जब इसको यूज करना होगा तो हम लोग से यूज नहीं हो पाता है। कहने को तो है कि मीडियन दो बराबर भागों में ट्रायंगल को बांटता है, बट इसके यूज करते समय ना हम लोग को दिमाग में नहीं आता है कि अच्छा ये वाला प्रॉपर्टी भी यूज करना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग को क्या बोलता है, एरिया ऑफ ऑल 3 ट्रायंगल्स इन ए ट्रायंगल गिवन बिलो इज इक्वल। मतलब कि यदि इस तरह से शेप बनाया जाए कि वर्टेक्स से केवल जी को मिलाया जाए,
जैसे ए बी वर्टेक्स से जी को मिलाए, बी सी वर्टेक्स से जी को मिलाए, ए सी वर्टेक्स से यदि आप जी को मिलाए तो तीनों का एरिया जो रहता है आपस में बराबर होता है। मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी सी। छोटा सा प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखिएगा। यदि केवल वर्टेक्स से सेंट्रॉयड को मिला दिया जाए तो उस तरह से टोटल तीन ट्रायंगल फॉर्म होंगे। उस तीनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, दीज ऑल सिक्स एरियाज आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर। मतलब कि यहाँ का कहने का क्या मतलब है, यदि जितने भी वर्टेक्स है एंड जो पॉइंट है मीडियन पॉइंट को यदि कनेक्ट किया जाए जी से, कनेक्ट किया जाए सेंट्रोइड से, तो टोटल आपको कितने शेप बनेंगे, टोटल शेप या टोटल ट्रायंगल कितना बनेगा आपको, छः बनेगा। और ये छः के छओ का आपस में जो एरिया होता है, जैसे ए ए है, एरिया आपस में सबका इक्वल होता है। मतलब कि सारे के सारे का एरिया जो होगा आपस में इक्वल होगा। यदि इसको अपन इस तरह से बोले कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी जी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी जी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ई जी ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ई जी ओ के बाद क्या आएगा, ए जी एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ जी वी। एफ जी बी मतलब ये छः के छः ट्रायंगल का जो एरिया होगा आपस में बराबर होगा। बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टी है, बट इसका यूज हम लोग क्वेश्चन में करेंगे और बहुत इजीली जो है क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग को क्या स्टडी करना है। तो चलिए सेंट्रॉयड से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज थे, बहुत ईजी प्रॉपर्टी थे, जितने भी प्रॉपर्टीज है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चंस पे, और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपको एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल या एफसीआई हर जगह कहीं ना कहीं पूछा गया है। जितने भी आठ या छः या सात जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, सारे ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। तो चलिए ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पॉइंट ए इज द मिड पॉइंट एंड पॉइंट बी इज द सेंट्रोइड। ओके, ए मिड पॉइंट है, बी सेंट्रॉयड है ऑफ ए ट्रायंगल पिक्चर्ड बिलो। ओके, द लेंथ ऑफ बी सी, बी सी दिया गया है 12। ओके, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी। अब आपसे ए वाला पूछा गया है, आपको पता है बी सी बाई बी ए सेंट्रॉयड जो है कितना रेशियो में बांटता है, 2:1 में। बी सी कितना दिया गया है, 12। बी ए इज इक्वल टू 2:1। इसका कहने का क्या मतलब, बी ए का लेंथ कितना आ जाएगा आपको, 6 सेंटीमीटर। बी ए का लेंथ कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। हालांकि इसको हम लोग मौखिक ही या वर्बली ही सॉल्व कर सकते थे, बट आपको समझने के लिए मैंने इक्वेशन में डाल के इसका, ये दो पार्ट्स यदि 12 है तो एक पार्ट्स के टोटल कितने पार्ट्स बनते हैं, टोटल 3 पार्ट्स बनते हैं, तभी तो 2:1 में डिवाइड होता है। तो दो पार्ट्स का लेंथ 12 दिया गया है, तो एक पार्ट्स का लेंथ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एसएससी में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल 2012 का क्वेश्चन है। इफ जी इज द सेंट्रोइड ओके ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, सपोज इसको ट्रायंगल एबीसी को हम लोग नामकरण कर देते हैं, जी सेंट्रोइड है। तो चलिए यहाँ पे जी सेंट्रोइड है, इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि ऐसे सपोज इसको यदि ऐसे अपन ले तो मीडियन है, मतलब कि दो बराबर भागों में साइड को बांटेगा, तो इस तरह से आपको बनेगा ये। तो यहाँ पे जी क्या हुआ, जी एक सेंट्रोइड दिया गया है, ठीक है, जी क्या दिया गया है आपको, सेंट्रोइड दिया गया है। तो इस जी को सेंट्रोइड ले लिए, ट्रायंगल ए जी इज इक्वल टू बी सी, मतलब कि ए जी इज इक्वल टू आपको बी सी दिया गया है, ठीक है, आपको गिवेन है कि ए जी इक्वल टू बी सी आपको गिवेन है। ओके, देन फाइंड एंगल बी जी सी, बी जी सी मतलब कि ए वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है कि कितना होगा ये एंगल, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे यदि इसको नामकरण डी दे देते हैं, तो दो ट्रायंगल बन रहा है, ए वाला और ए वाला, ट्रायंगल बी जी डी एंड दूसरा ट्रायंगल क्या बन रहा है, जी डी सी, जी डी सी बन रहा है। ओके, अब इसमें देखिए
ए वाला पार्ट्स और ए वाला पार्ट्स बराबर है आपस में, मतलब कि बी डी इज इक्वल टू डी सी है। अब इस ट्रायंगल में जी डी कॉमन है, मतलब कि दोनों ट्रायंगल में जी डी बराबर जी डी है, दो साइड कॉमन हो गया। दो साइड यदि कॉमन है आपका दिया हुआ है, जैसे ही दो साइड्स आपका कॉमन करने का क्या मतलब, दो साइड्स आपका इक्वल दिया गया है, दो साइड्स क्या दिया गया है आपको, इक्वल दिया गया है, मतलब कि ए साइड्स और ए साइड आपस में बराबर दिए गए हैं। तो जैसे ही ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होंगे और उसके बाद दिया गया है ए जी इज इक्वल टू बी सी, तो ए जी इज इक्वल टू बी सी दिया गया है, तो ए जी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, टू जी डी बोल सकते हैं। तो टू जी डी बराबर बी सी, मतलब कि जी डी कहने का क्या मतलब हुआ, बी सी बाई टू। और बी सी बाई टू क्या है, बी डी भी है, बी डी भी तो बी सी बाई टू है, और इसे डी सी भी बी डी बाई बी डी बी सी बाई टू है, मतलब कि ए साइड और ए साइड और ए साइड आपस में बराबर होंगे और तीनों क्या है, बी सी के आधा है, मतलब कि बी सी का हाफ है। इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि आपको कि जो दोनों ट्रायंगल है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल ट्रायंगल होगा। ठीक है, अब देखिए इस ट्रायंगल में यदि बी जी डी में यदि कॉन्सेंट्रेट करें तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, दोनों साइड यदि बराबर है तो ए वाला भी एंगल आपस में बराबर होगा एक्स और ए भी एक्स होगा। ठीक है, यदि इसको अपन ऐसे देखें, क्योंकि ए साइड और ए साइड बराबर है तो इसके सामने ए साइड है और एक्स वाले के सामने एक्स है, दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, एक्स और एक्स हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ए वाला साइड बराबर है तो इसके एंगल भी आपको आपस में क्या होंगे, एक्स हो जाएंगे, फिर ए वाला भी एंगल आपस में क्या होंगे, एक्स हो जाएंगे। तो अब ट्रायंगल जी बी सी में कॉन्सेंट्रेट किया गया है, यदि अपन ट्रायंगल जी बी सी में, जी बी सी में यदि कॉन्सेंट्रेट करें तो टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का। तो अभी देखिए पहला एंगल क्या है, एक्स, फिर यहाँ पे टोटल एंगल कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स 2x, प्लस ए वाला एंगल कितना है, एक्स, टोटल एंगल कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री, 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक्स का वैल्यू आपको कितना आएगा, 45 डिग्री, एक्स का वैल्यू आपको कितना आएगा, 45 डिग्री। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, एंगल बी जी डी, एंगल बी जी डी मतलब कि ये टोटल एंगल पूछा गया आपसे, तो टोटल एंगल क्या है, 2x है, तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपको ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको एसएससी सीजीएल का पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को यदि आप सर्च करेंगे नेट पे तो आपको 50 to 60% जगह पे इसका क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर जो आपको गलत ही मिलेगा। तो ठीक है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। लेट बीई एंड सी एफ आर टू मीडियंस, चलिए बीई और सी एफ, चलिए ट्राइंगल को हम लोग नामकरण कर देते हैं ए बी सी, बीई एंड सी एफ टू मीडियन है। ओके, चलिए हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉ कर लिए ताकि पता चल जाए कि बी और सी एफ क्या है। बी ई इसको दे दिए नाम, इसको सी एफ दे दिए नाम, एंड जी बी देयर इंटरसेक्शन। जी यदि इंटरसेक्शन है, इसका कहने का क्या मतलब, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ऑब्वियसली। अल्सो लेट ई एफ कट ए जी एट ओ, ई एफ जो है, ई एफ जो है आपको, ई एफ कहने का क्या मतलब कि ए वाला जो पॉइंट है, EF कट AG, AG मतलब AG को यदि अपन ऐसे बढ़ाएंगे तो कहाँ पे कट करता है, ए ओ पॉइंट पे कट करता है। देन आपको निकालना क्या है, AO बाई OG निकालना है। ठीक है, क्या होगा अब देखिए, यदि A को अपन AG को आगे बढ़ाएं तो ऑब्वियसली ये मीडियन है तो दो बराबर भागों में बटेगा। ठीक है, दो बराबर भागों में तो बट गया। अब देखिए सिमिलरली यदि सी एफ पे बात करें तो ए दोनों आपस में बराबर होंगे, फिर ए दोनों आपस में बराबर होंगे। तो अब देखिए एफ क्या है, एफ आपका मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। सिमिलरली ई क्या है आपका, ई भी आपका मिड पॉइंट ऑफ ए सी है। इसका क्या कहने का क्या मतलब कि एफ और ई मिड पॉइंट है किसका, ए बी और ए सी का। इसका कहने का मतलब कि एक थियरम होता है मिड पॉइंट थ्योरम से, इसका कहने का मतलब हो गया जैसे ही मिड पॉइंट हुआ तो जो ई एफ है, जो ई एफ साइड है वो पैरेलल हो जाएगा बी सी का, और जैसे ही पैरेलल हुआ तो एफ ई का जो लेंथ है
बीसी के लेंथ के बराबर होगा। हालांकि इस थ्योरम को अपन आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए क्वेश्चन आया है तो इसको हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करेंगे। तो एफ ई क्या हो गया, पैरेलल बीसी के, और एफ ई का लेंथ क्या हो गया, बीसी के लेंथ का आधा। अब हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं ट्रायंगल ए एफ ई एंड ट्रायंगल ए बी सी पे। तो बोथ ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर। कैसे सिमिलर हुआ, देखिए जो ए एंगल है, यदि पैरेलल लाइन है तो ए एंगल आपस में बराबर होगा, सिमिलरली ए एंगल आपस में बराबर होगा। एंगल ए तो क्या है, कॉमन है ही, तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। सिमिलर होंगे तो साइड रेशियो भी आपस में बराबर होगा। तो साइड रेशियो में यदि अपन इस पे गौर करें, इस वाले एंगल पे, तो इस वाले एंगल के लिए साइड क्या है, ए डी है। तो ए डी बाई, यदि इस वाले ट्रायंगल पे अपन कॉन्सेंट्रेट करें तो साइड रेशियो में क्या आ जाएगा, ए ओ आएगा, इज इक्वल टू। अब एंगल ए पे कॉन्सेंट्रेट करें, एंगल ए में बड़ा वाला ट्रायंगल के सामने का साइड क्या है, बी सी, बी सी बाई, छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल ए के सामने क्या है, एफ ई, एफ ई। अब देखिए बी सी क्या है, एफ ई का डबल है, तो ए वाला रेशियो क्या आ जाएगा, सीधा आपको टू आ जाएगा। ये रेशियो आपको कितना आएगा, टू आएगा। अब आपको मेन एम क्या है, ए ओ बाई ओ जी निकालने का, ठीक है। तो अब ए डी को, टोटल ए डी है तो आपको ए जी के टर्म्स में, देखिए दो पार्ट्स ए जी है, एक पार्ट्स ए है, तो तीन पार्ट्स मिला के टोटल ए डी बनता है। तो तीन पार्ट्स बराबर ए डी है, जैसे तीन पार्ट्स का लेंथ क्या है, ए डी है, तो दो पार्ट्स क्या है, ए जी। तो दो पार्ट्स क्या हो जाएगा आपको, ए डी, टू ए डी बाई थ्री। तो यदि अपन ए डी को ए जी के टर्म्स में लिखे, ए जी के टर्म्स में लिखे, तो ये कितना आ जाएगा, थ्री बाई टू ए जी। यदि ए डी को अपन ए जी के टर्म्स में लिखे तो कितना आ जाएगा, मेडियन डिवाइड्स, ये सेंट्रोइड डिवाइड्स मेडियन इंटू टू इज टू वन रेशियो, तो थ्री बाई टू ए जी आ जाएगा। अब आपका रेशियो क्या है, ए ओ है, ओके। ये कितने के बराबर हो गया, दो के बराबर हो गया। यदि इसको अपन सॉल्व करें तो ए जी बाई ए ओ, ए जी बाई ए ओ आपको कितना आया, फोर बाई थ्री। ए जी बाई ए ओ आपको कितना आ गया, 4/3। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, ए ओ बाई ओ जी पूछा गया है, आपसे पूछा क्या गया है, ए ओ बाई ओ जी। तो ए ओ तो हम लोग को मिल गया, लेकिन ओ जी निकालने के लिए, ओ जी निकालने के लिए क्या हम लोग क्या करेंगे, ए जी को, टोटल लेंथ ए जी को हम लोग लिख सकते हैं ए ओ प्लस ओ जी। तो ए जी को हम लोग लिख दिए ए ओ प्लस ओ जी बाई ओ जी इज इक्वल टू 4/3। अब यहां से अपन यदि सॉल्व करें इसको, तो 3AO प्लस 3OG इज इक्वल टू 4OG। अब यहां से देखिए 4OG, OG को उस साइड ले जाएं तो कितना आएगा, OG बराबर 3AO। अब आपसे पूछा क्या गया है, AO बाई OG, AO बाई OG का रेशियो कितना आ जाएगा, 3:1। AO बाई OG का रेशियो कितना आएगा, 3:1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, इस केस में आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी आर राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 4 को, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि इफ जी विद अ सेंट्रोइड, ओके, जी विद अ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ जीबीडी, जीबीडी कितना दिया हुआ है, 6, वेयर डी इज द पॉइंट ऑन बीसी, ओके, एंड देन द एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ एबीसी क्या है, टोटल ट्रायंगल है, एरिया ऑफ एबीसी क्या है, टोटल ट्रायंगल है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि यदि सारे वर्टेक्स और सारे मीडियन के पॉइंट जो बेस पे होते हैं उसको मिलाएंगे तो टोटल कितने ट्रायंगल बनते हैं, 6 ट्रायंगल बनते हैं। यहाँ एक ट्रायंगल का एरिया 6 दिया हुआ है, तो टोटल 6 ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 6 ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 6 × 1 ट्रायंगल का एरिया 6 × 6 मतलब 36 cm². बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, जस्ट प्रॉपर्टी को यूज किए हैं। टोटल ऐसे ऐसे कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। तो देखिए 6, 12, 6, 18, 6, 24, 36, 6, 36, तो टोटल ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 36 cm². जस्ट एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट जी विद द सेंट्रोइड, ओके, जी विद द सेंट्रोइड ले लिए हम लोग। उसके बाद क्या बोल रहा है, ए डी बी सी एफ आर 3 मीडियंस, ए डी बी ई सी एफ आर 3 मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी विथ एरिया 72 cm², मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना दिया हुआ है,
72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल BGD, BGD एक ट्रायंगल का पूछा जा रहा है, तो टोटल ABC ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल हैं? 6 ट्रायंगल्स का एरिया आपको कितना दिया हुआ है? 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे एक ट्रायंगल का एरिया पूछा जा रहा है, कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो टोटल 6 का एरिया 72 दिया हुआ है, तो एक का कितना हो जाएगा? एक का हो जाएगा 12, इसका आंसर कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलो चलिए हम लोग का जो 6th क्वेश्चन है वो क्या पूछा जा रहा है? लेट ओ बी द सेंट्रोइड, ओके ओ बी द सेंट्रोइड एंड ए डी बी एंड सी एफ आर द 3 मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC, ओके। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOE कितना दिया गया है? 15 दिया गया है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया जा रहा है? देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर BDOF, BDOF मतलब इस शेप का एरिया आपसे पूछा जा रहा है। BDOF मतलब कि इसी क्वाड्रिलेटर का एरिया आपसे पूछा जा रहा है। अब इस क्वाड्रिलेटर में देखिए, चूंकि सेंट्रोइड वाला बात हो रहा है, तो इस क्वाड्रिलेटर में टोटल कितने बने? दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, पहला ए और दूसरा ए वाला बन रहा है। तो देखिए, एक ट्रायंगल का एरिया आपको 15 दिया गया है, तो क्वाड्रिलेटर में कितने ट्रायंगल्स आ रहे हैं? दो ट्रायंगल्स। तो दो ट्रायंगल्स का एरिया कितना आ जाएगा? 15 × 2 मतलब कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी आर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ईजी है, जस्ट प्रॉपर्टी बेस्ड है, बट थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। टू मीडियंस AD एंड BE, टू मीडियंस AD एंड BE ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट एट G, ओके, एट राइट एंगल्स। मतलब कि ए वाला यदि इसको बात किया जाए, तो ए वाला एंगल का वैल्यू कितना दिया गया है? 90 डिग्री। इफ AD इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, मतलब कि AD जो दिया गया है वो आपको 9 सेंटीमीटर दिया गया है। AD 9 सेंटीमीटर दिया गया है, मतलब कि 2:1 में बटेगा, तो ए कितना हो जाएगा? AG 6 हो जाएगा, GD कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इनटू 2:1 रेशियो। आगे BE कितना दिया हुआ है? 6। BE आपको 6 दिया गया है, BE 6 दिया गया है, कहाँ पे गया? BE 6 दिया गया है, तो मतलब दो पार्ट्स इसका 4 हो जाएगा और एक पार्ट्स कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, तो आपसे पूछा क्या गया है? लेंथ ऑफ BD, लेंथ ऑफ BD कहने का क्या मतलब कि आपसे ए वाला लेंथ पूछा जा रहा है, ए वाला लेंथ पूछा जा रहा है। अब ट्रायंगल ट्रायंगल GBD में ध्यान से देखिए, ट्रायंगल GBD में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो इसमें क्या है? AD एक चीज है, यहाँ पे बोला गया है AD और BE जो है आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, किसमें? 90 डिग्री पे। तो AD वाला लाइन तो A है, BG वाला लाइन A है, मतलब कि A वाला एंगल जो कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। तो A वाला चीज आपको क्या समझ में आया कि A क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए, एक साइड क्या है? 4 है, दूसरा साइड 3 है, तो आपको BD निकालने के लिए क्या आ जाएगा? √4² 16 + 9, मतलब कि आपको 5 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर नहीं होगा चूंकि लेंथ पूछा जा रहा है, तो जस्ट सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। तो मतलब कि BD का जो लेंथ पूछा गया उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 5 सेंटीमीटर। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग का, टू मीडियंस BD एंड EC ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट एट G, ओके, एट राइट एंगल। मतलब कि ये दोनों जो ट्रायंगल है आपस में कितने डिग्री पे काट रहा है? राइट एंगल, मतलब कि 90 डिग्री पे। इफ BD इज इक्वल टू 18, BD कितना दिया गया है आपको? 18 दिया गया है, मतलब कि BG 12 हो जाएगा, GD 6 हो जाएगा। सिमिलरली CE कितना दिया गया है? CE आपको 15 दिया गया है, CE 15 दिया गया, मतलब कि CG 10 हो जाएगा और GE 5 हो जाएगा। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पूछा गया, मतलब कि टोटल शेप का एरिया आपसे पूछा गया है। तो सपोज इसको यदि अपन ऐसे मिला दें, तो मैंने बताया था कि जब वर्टेक्स से G को मिलाया जाता है तो टोटल 3 ट्रायंगल्स बनते हैं। क्या बनेगा? BGC, AGC और BGA बनेगा, टोटल 3 ट्रायंगल बनेगा। तो हम लोग एक ट्रायंगल का एरिया यदि निकाल लेते हैं, ट्रायंगल BGA
जी सी पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अब देखिए ये क्या है, आपको 90 डिग्री है, इसका क्या मतलब, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा आपको, ठीक है। तो 1/2 बेस कितना दिया गया है, यदि इसको अपन लेंगे तो 12, फिर हाइट कितना दिया गया है 10, तो इसका वैल्यू कितना आया 16, 60। तो टोटल एरिया यदि आपसे पूछा गया है, टोटल एरिया मतलब कि ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक ट्रायंगल का एरिया, क्योंकि ए वाला शेप बनेगा, ए वाला शेप, और टोटल 3 शेप बनेंगे, और मैंने इसको प्रॉपर्टी में बताया था कि तीनों एरिया आपस में बराबर होते हैं। तो 3 इंटू 60, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, मतलब कि ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका आंसर। तो चलिए ये था आज के सेशन से रिलेटेड हम लोग का क्वेश्चन। तो आप लोगों के लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप ट्राई जरूर कीजिए, उसका जो भी आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स के थ्रू आप हमको बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं होमवर्क का क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए। तो ये क्वेश्चन है आप लोग के होमवर्क का, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ओके, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी बोला गया है, 5 और 12 दिया गया है, 5 12 दिया गया है, एडीडी मतलब कि यहाँ पे भी मीडियंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी मीडियंस की बात हो रही है, मतलब कि ऐसे सी एफ आर द मीडियंस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको पूछ रहा क्या गया है, ए बी सी, यहाँ पे डी है, ई ए है, ई एफ है, आपसे पूछा गया है ए डी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर, ये आपको वैल्यू निकालना है। आपका जो भी आंसर हो आप जरूर कमेंट बॉक्स के थ्रू हमको बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आया। यदि नहीं हुआ तो नेक्स्ट सेशन जब भी मैं लेके आऊँगा पहले इसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके आपको बताऊँगा। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसका सॉल्यूशन और किसी नेक्स्ट टाइप के सेंटर को लेकर के। तो चलिए आज के सेशन समाप्त करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे जो कॉन्सेप्ट हैं मैं आप लोगों के लिए बीच जरूर लेके आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जब भी कोई नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इजिली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इफ़ यू रियली फाइंड दिस वीडियोज वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज, प्लीज़ डू लाइक आवर वीडियोज, प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, हुएवर इज नीडी प्लीज़ शेयर विथ देम, कमेंट करके आप अपना जो भी सुझाव है बता सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मैंने आप लोगों के लिए एक फेसबुक ग्रुप बनाया है, फेसबुक ग्रुप का नाम है i.g/ट्यूटोरियल, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको जितने भी डाउट्स हो जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप यहाँ पे आके पोस्ट कर सकते हैं, मेंबर्स आपको उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेगा। यदि कोई नहीं दिया तो आप उसका जो सॉल्यूशन है 1 घंटे 1.5 घंटे में मैं आपको दूंगा, या आपको इमीडिएटली उसका सॉल्यूशन चाहिए तो डायरेक्ट आप हमको पिंग करके उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो वैसे मैं इसका जो फेसबुक ग्रुप का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप इजिली जो है फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक का पेज है, उस पेज को आप लाइक कर सकते हैं, पेज भी है i.g/ट्यूटोरियल, उस पेज का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, इस पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करना मत भूलिए, ऐसा मत सोचिए कि मेरा एग्ज़ाम का भी डेट नहीं आया है, फॉर्म का भी डेट नहीं आया है, तो थोड़ा अपन चिल मारते हैं, थोड़ा दिन के बाद जब एक बार डेट आ जाए एग्ज़ाम का या फॉर्म आ जाए तब अपन प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, स्टडी करना शुरू करेंगे, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ आपको जस्ट एक कट ऑफ पार करा सकता है, आपको जॉब नहीं दे सकता है, ठीक है। तो कीप प्रैक्टिसिंग। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।